खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। भारत ने 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर रचा नया इतिहास। लखनऊ में सीएम ने अति विशिष्ट गृह नैमिषारण का किया लोकार्पण। पुलिस कर्मियों का आहार भत्ता 25% बढ़ेगा, सीएम ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर छोड़ा, यातायात बहाल। बाढ़ हुई विकराल, हालात बेकाबू, हजारों लोगों के सामने खाने पीने का संकट। सीतापुर में बाढ़ इलाके का दौरा करने कल आएंगे जल शक्ति सिंचाई मंत्री। हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की हुई सजा। सीतापुर में बोले विधानसभा उपाध्यक्ष, सपने देखना बंद करें अखिलेश यादव। भारत ने कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में आज नया इतिहास रच दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। वाराणसी निवासी दिव्यांग अरुण राय को 100 करोड़वां टीका लगा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उन्हें यह टीका लगाया गया। बनारस से दिल्ली घूमने गए अरुण राय इसके बाद से अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। जब उन्हें 100 करोड़वां टीका लग रहा था तो वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अति विशिष्ट गृह नैमिषारण का लोकार्पण किया। 7 मंजिला भवन में 73 कमरे बनाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के लिए एक उपलब्धि है। अभी तक राज्य सरकार के मेहमानों को होटल में ठहरना पड़ता था, अब उनके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गेस्ट हाउस उपलब्ध होगा। सीएम ने नैमिषारण शब्द का महत्व बताते हुए कहा कि यह नाम माँ ललिता देवी से जुड़ा हुआ है। यह नैमिषारण का चित्र भी लगाया जाना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ पुलिस लाइंस में पुलिस कर्मियों का आहार भत्ता 25% बढ़ाने और सिपाहियों को हर महीने मोबाइल खर्च के लिए 2,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। देश की राजधानी दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर लगे टेंट को हटाकर रास्ता खाली करने का आदेश सुनाया है। यह फैसला आने के कुछ देर बाद ही भाकियू नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में खुद किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटा लिए। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर का रास्ता खुल गया है। हालांकि यूपी गेट पर राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया है कि अब दिल्ली में संसद पर जाकर धरना देंगे। इस ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में हिंसक बवाल मामले की सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्र, सह आरोपी अंकित दास समेत सभी 7 आरोपियों की पुलिस कस्टडी पर सुनवाई के दौरान पक्ष व विपक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। एसआईटी ने आरोपी सुमित जायसवाल, नंदन सत्यम त्रिपाठी तथा शिशुपाल की 14 दिनों के लिए रिमांड मांगी। सुनवाई के बाद अदालत ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा है। पहाड़ों पर भारी बारिश व बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण सीतापुर में शारदा व सरयू नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी से दर्जनों गांवों में हजारों की आबादी गिर गई है।
ग्रामीण छतों पर आसरा लिए हुए हैं। गुरुवार को सीडीओ अक्षत वर्मा, उप जिलाधिकारी व क्षेत्र अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित गाँव में जाने का प्रयास किया, परंतु पानी अधिक होने के कारण वह किसी भी गाँव में नहीं जा सके। शाहपुर संविलियन स्कूल में बनाई गई बाढ़ चौकी में सीडीओ ने प्रधानों को ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने या विद्यालय लाने को कहा, क्योंकि यहां सभी के रहने और खाने की व्यवस्था की गई। रामपुर, मथुरा और रेवसा इलाके में भी बाढ़ से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। रेवसा में सरयू नदी का जल स्तर गुरुवार को स्थिर रहा, लेकिन बाढ़ का दायरा बढ़ गया है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। रामपुर मथुरा इलाके में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। बाढ़ का पानी कनरखी और सुकुलपुरवा के कई मजरों के घरों में भीतर तक बह रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि इसी तरह जलस्तर में वृद्धि होती रही तो समस्या और भी बढ़ सकती है। सीतापुर के परिषदीय विद्यालयों में तैनात 226 शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि इन्हें अब तक वेतन नहीं मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को वेतन न मिलने से यह समस्या खड़ी हो गई कि अब यह त्योहार कैसे मनाएंगे। परेशान शिक्षकों ने गुरुवार को अपनी समस्या को लेकर बीएसए को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेतन दिलाए जाने की गुहार लगाई है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों की स्मृति में रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर में स्मृति परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा पुलिस महानिदेशक के संदेश से सभी पुलिसकर्मियों को अवगत कराते हुए शहीद पुलिसकर्मियों की शौर्य गाथा सभी को बताई गई। इसके बाद एसपी आरपी सिंह, एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजू दीक्षित, एएसपी दक्षिणी एमपी सिंह, क्षेत्राधिकारीगण व समस्त पुलिसकर्मियों द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 राहुल प्रकाश ने हत्या के मामले में अभियुक्त सुरेश यादव, पट्टे उर्फ संदीप, बच्चा उर्फ सतीश, निवासीगण दिघरा थाना महोली को आजीवन कारावास और 30,000 रुपए की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी एडीजीसी विवेक सिंह चौहान द्वारा की गई। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 17 अरविंद कुमार गौतम ने अभियुक्त संतराम यादव पुत्र सुरजी निवासी धनसिंह नगर थाना मछेटा को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न कर पाने पर अभियुक्त को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की पैरवी PCSO विजय कुमार मिश्रा द्वारा की गई। यूपी सरकार के जल शक्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह 22 अक्टूबर को पूर्वान 11:45 पर जनपद सीतापुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। फिर कलेक्ट्रेट सभागार सीतापुर में स्थानीय प्रशासन के साथ बाढ़ कार्यों की समीक्षा के बाद प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार मोहाली कस्बे से गुजरे नितिन अग्रवाल का उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी भी मौजूद रहे। समर्थकों को संबोधित करते हुए नितिन अग्रवाल ने चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 400 सीटों पर जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव जमीनी हकीकत से रूबरू हों और सपने देखना बंद कर दें। कोतवाली नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र ब्रजमोहन सिंह निवासी मोहरैया कला थाना तालगांव को आनंद नगर तिराहे से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद की। आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने गुरुवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र के उन इलाकों का दौरा किया जो बाढ़ की चपेट में हैं। विधायक ने SDM, तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक, BDO, CHC इंचार्ज व कार्यकर्ताओं सहित बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने, उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को अपेक्षित मदद पहुंचाई जाए और राहत कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए। ब्लॉक मछरेटा की ग्राम पंचायत बड़रावा के मजरा मुसौली के कंपोजिट विद्यालय में इन दिनों गंदगी का अंबार है। चारों तरफ बड़ी बड़ी घास जमी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कूड़ा भी जमा है। प्रधानाचार्य कामिनी त्रिवेदी ने बताया कि कई बार
सफाई को लेकर प्रधान व सचिव को अवगत कराया जा चुका है, परंतु अभी तक सफाई का कार्य नहीं हो सका है। वहीं मुसौली में बना पंचायत भवन भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को कोविड टीका लग चुका है। अभी भी अभियान जारी है, जिसके तहत गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने आंख अस्पताल स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र में जाकर दूसरी डोज लगवाई और डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस मौके पर जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, रोहित सिंह, जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर सोगी, नैमिष रत्न तिवारी, जितेंद्र मेहरोत्रा, आशीष कश्यप, अभिषेक मिश्रा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा, अनूप विश्वकर्मा, तरुण शुक्ला, अमन विक्रम सिंह, उत्तम पांडे, शुभम पांडे, सत्येंद्र सिंह, सत्यम सिंह आदि मौजूद थे। भाजपा के मंडल अध्यक्षों की जिला कार्यालय में बैठक हुई। जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने सभी मंडल अध्यक्षों से कहा कि आगामी चुनावों को लेकर होने वाले किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी से अपनी रूपरेखा बना लें। अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान, सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए हर वर्ग को भाजपा से जोड़ने का काम करें, लोगों को भाजपा की नीतियों से अवगत कराएं, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस गृह चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस चेकिंग के दौरान कुल 320 लीटर अवैध शराब बरामद की है। मौके से इस कारोबार में संलिप्त 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना हरगांव पुलिस ने वारंटी सर्वेश रामजीवन सुरजीत पुत्रगढ़ कंधई निवासीगण सरावा थाना हरगांव तथा वारंटी राणा सिंह उर्फ विनय सिंह पुत्र शिवपाल सिंह निवासी अनियाकला थाना हरगांव को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। इसी क्रम में इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त शेखर मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रमाकांत मिश्रा निवासी तिहार थाना इमलिया सुल्तानपुर, महमूदाबाद पुलिस ने वारंटी इब्राहिम पुत्र हमीद निवासी उमरिया थाना महमूदाबाद तथा अटरिया पुलिस ने अभियुक्त सरोज पुत्र श्यामलाल निवासी भरथर थाना महमूदाबाद को गिरफ्तार किया। थाना रामपुर मथुरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों दुर्विजय पुत्र अर्जुन और कामता पुत्र रामप्रसाद निवासी गढ़ लोनियन पुरवा मजरा गुआरी थाना थान गांव को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से चोरी की एक सोने की चैन, एक अंगूठी, चांदी की एक जोड़ी पायल व कपड़े बरामद हुए हैं। अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की गयी। अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी ने बताया कि शारदा व घाघरा बैराज से पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। सीतापुर मुख्यालय पर बाढ़ आपदा राहत के लिए पूर्व से कंट्रोल रूम संचालित है, जिसका दूरभाष नंबर 0 58 62 54 53 है। इस नंबर पर बाढ़ आपदा बचाव से संबंधित कोई भी सूचना दी जा सकती है। खैराबाद की दरगाह आलिया सादिया बड़े मखदूम मियाँ में 3 दिवसीय 521वें उर्स के पहले दिन दरगाह के सज्जादा नशीन डॉक्टर सुएब मियाँ ने कहा, हमें आपस में मेल मिलाप से रहना चाहिए, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ईश्वर के लिए कुछ न कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। पहले दिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अले हिरेमा का फातेहा संबंध हुआ। रात में इन महफिल समा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजरत छोटे मखदूम साहब के सज्जादा नशीन, मदनी मियाँ दरगाह हाफिजिया असलमिया के सज्जादा नशीन, हाजी सैयद फुरकान मियाँ, इमाम ईदगाह खैराबाद बब्बन मियाँ, मखदूम काजी बदरुद्दीन उर्फ बुद्धन शाह उन्नाव के सज्जादा नशीन व दरगाह कमेटी के सदस्य सैयद जिया अलवी आदि मौजूद थे। सिधौली में बिस्वा रोड स्थित इंडियन ऑयल पंप पर खड़े 3 ट्रकों व बिस्वा चौराहे के निकट हाईवे पर खड़ी एक बस से चोरों ने लगभग 1000 लीटर डीजल चोरी कर लिया। ट्रक मालिकों को सुबह जानकारी हुई। बस मालिक सुरेश कुमार यादव ने बताया, 2 दिन पूर्व भी रोडवेज बस स्टॉप के अंदर खड़ी उनकी इसी बस की टंकी से 115 लीटर डीजल चोरी कर लिया था। कोतवाली पुलिस ने बताया, मामले की तहरीर नहीं दी गई। अटरिया इलाके के लच्छीपुर रामनगरा में बीती रात 2 चोरों को चोरी करते ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसमें एक चोर भागने में सफल रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की है। थाना प्रभारी अवधराज सिंह सेंगर ने बताया कि पकड़े गए चोर सरोज को जेल भेज दिया गया है। रामकोट थाना क्षेत्र के नवीन चौकी के अंतर्गत मोहल्ला विकास नगर यादव कॉलोनी में महिला सावित्री देवी दिन में कूड़ा डालने के लिए घर के बाहर निकली थी।
इसी बीच एक बदमाश उनके घर में घुस गया और जेवर आदि लेकर भागने लगा। बदमाश को भागते देख महिला पीछे से दौड़ी तो घर के दरवाजे पर गिर गई, जिससे उसके हाथ की दो उंगलियां चोटिल हो गई। पीड़िता ने घटना की लिखित तहरीर थाने में दी है। श्री राम गौ सेवा मिशन के तत्वाधान में नैमिषारण्य परिक्रमा मार्ग स्थित कैलाश आश्रम बक्षेरवा में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन हेतु विशाल गौदान भूदान महायज्ञ का आयोजन किया गया। 17 अक्टूबर से प्रारंभ इस यज्ञ का 21 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव, मिशन के संस्थापक व अध्यक्ष गोपाल ब्रह्मचारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर अवस्थी, राम गोपाल अवस्थी आदि मौजूद थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कृषि शिक्षा को स्वरोजगार उन्मुखी बनाने के उद्देश्य से स्नातक उपाधि के अंगीभूत ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव ग्रामोन्मुखी प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में लागू करना निश्चित रूप से विद्यार्थियों की नींव को मजबूत करता है। इन दिनों जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव के लिए 30 विद्यार्थी 8 सप्ताह तक व्यवहारिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण अर्जित करेंगे। केंद्र प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव बताते हैं कि इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कृषि छात्र छात्राओं को स्वावलंबी बनाते हुए सर्वांगीण ग्राम्य विकास का पथ प्रशस्त करने के साथ ग्राम्य जीवन के परिवेश तथा कृषक परिवार की पृष्ठभूमि में छात्र छात्राओं को कृषि की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना है। लहरपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में मासिक समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने छात्रों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं एवं कायाकल्प अभियान के तहत विद्यालय में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। कार्यशाला में शिक्षक डायरी, ई पाठशाला और मिशन प्रेरणा की प्रगति की समीक्षा भी की गई। इस मौके पर ARP पुष्पेंद्र मौर्य, KRP अनवर अली तथा संदीप कुमार वर्मा, सेवक राम मोहम्मद असद सिद्दीकी, प्रदीप कुमार वर्मा, पंकज कुमार वर्मा, सौरभ शुक्ला, संकुल शिक्षक रामचंद्र वर्मा आदि मौजूद थे। ब्लॉक बेहटा के सुल्तानापुर गांव में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ व लहरपुर से विधायक पद के उम्मीदवार हाजी सिराज ने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी नीतियों पर खरी नहीं उतरी है, जिसके चलते आम जनमानस महंगाई और भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त है, जिसके चलते हम लोगों को एकजुट होकर आगामी चुनाव में पूरे जोर शोर से कांग्रेस का परचम लहराना है। इस मौके पर बेटा ब्लॉक अध्यक्ष आशीष शुक्ला, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस रिहाना, जिला सचिव कन्हैया मेहरोत्रा, नईम सादिक, बन्ने डॉक्टर विनीत दीक्षित मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनीटाइम।